नमस्कार दोस्तों, घरेलू टिप्स फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के घरेलू उपाय। दोस्तों, इम्यूनिटी लोगों के शरीर में किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने का काम करती है, इसलिए इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि व्यस्त लाइफस्टाइल और काम के चलते लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण उन्हें कोई भी बीमारी आसानी से पकड़ लेती है। ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना आज के समय में काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है। इम्यूनिटी की कमी शरीर को भयंकर बीमारियों से घेर लेती है। ऐसे में हम लाए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के 12 घरेलू उपाय, जो बेहद ही सरल और असरदार हैं। नंबर 1, च्यवनप्राश। रोज़ सुबह 10 ग्राम यानी 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करें। यदि आपको मधुमेह है तो शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, हर्बल चाय या काढ़ा। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और मुनक्का से बनी हर्बल चाय या काढ़ा दिन में 1 या 2 बार जरूर पिएं। नंबर 3, विटामिन सी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों में विटामिन सी का नाम प्रमुख है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में मौजूद होता है, जैसे संतरा, मौसमी, स्ट्रॉबेरी, जामुन, नींबू और आंवला। विटामिन सी शरीर में श्वेत रक्त कोशिका को बनाता है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करता है। नंबर 4, हल्दी। हल्दी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि आपकी रसोई में इससे बढ़िया कोई दवा नहीं है। हल्दी को दर्द निवारक भी कहा जाता है, इसलिए चोट लगने पर हल्दी और चूने का लेप लगाया जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी का सेवन नियमित रूप से करें। इसके लिए आप 150 मिलीलीटर गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर दिन में 1 या 2 बार पिएं। नंबर 5, अदरक। अदरक एक गर्म खाद्य पदार्थ है। कफ और खांसी के इलाज में इसे रामबाण कहा गया है। अदरक का सेवन आपको इन्फेक्शन और फ्लू से बचाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदरक का सेवन सब्जी, चाय, काढ़ा आदि के रूप में कर सकते हैं। अदरक कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है और पुराने दर्द में भी काम करता है। नंबर 6, लहसुन। लहसुन को तामसी भोजन में शामिल किया गया है, लेकिन यह एक औषधि है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लहसुन काफ़ी मददगार है। लहसुन निम्न रक्तचाप और धमनियों को सख्त बनाने में मदद करता है। लहसुन में एलिसिन पाया जाता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। नंबर 7, पालक। पालक विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। पालक को धीमी आंच पर पकाना चाहिए, नहीं तो इसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। नंबर 8, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी। नींद इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित होती है, क्योंकि कहा जाता है कि सोते समय इम्यून सिस्टम बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। इससे बीमारियां ज़्यादा जल्दी ठीक होती हैं। ऐसे में जो लोग अच्छी और पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते, उन्हें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग केवल 6 घंटे की ही नींद लेते हैं, उन्हें खांसी, जुकाम जैसी बीमारियाँ होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेने से शरीर और दिमाग तो चुस्त दुरुस्त रहता ही है, साथ ही यह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। नंबर 9, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हाइड्रेटेड रहना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि पानी की कमी होने पर भी किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे आपको कई तरह की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। नंबर 10, बाहर के खाने से करें परहेज। बीमारी के इस दौर में ज़रूरी है कि
अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए केवल और केवल घर का ही बना खाना खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि जंक फूड शरीर की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रतिक्रिया को बाधित करते हैं, जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के कामकाज में बाधा डालते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इम्यूनिटी सिस्टम के कम सक्रिय होने पर ही शरीर को नुकसान पहुंचता है, कभी कभार इम्यूनिटी अति सक्रिय होने पर भी आपके शरीर को इसका नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि घर का स्वच्छ खाना खाएं, रोज़ एक्सरसाइज करें, सही नींद लें और किसी भी तनाव से बचें। नंबर 11, प्लांट्स फूड बनाते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए पोषक आहार लेना चाहिए। इसके लिए फल, सब्जियां, मेवे और फलियां खाएं, क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। साथ ही ये शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, जिससे आपकी कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं। प्लांट्स फूड में पाए जाने वाले फाइबर आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। नंबर 12, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसमें विटामिन्स और मिनरल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही दिए गए बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।